दोस्तों, ये फाइल मैंने पहले क्रिएट करी हुई है। आप देख सकते हैं इस फाइल के अंदर किस तरीके से 3D टेक्सचर हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम इस फाइल को दोबारा बनाएंगे और देखेंगे इसे किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले कुछ आपको टेक्सचर चाहिए, जो कि ये टेक्सचर मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई वर्ड टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पे ई टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो 3D बना रहा हूँ वो ई टेक्स्ट का बना रहा हूँ। आप किसी भी टेक्स्ट का बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इसके बाद आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, क्योंकि स्लीक है, थोड़ा सा पतला है, बोल्ड में 3D और बढ़िया निकल के आता है। अब थर्ड, उसके बाद हमें करना क्या है, जो इसका 100% ब्लैक है इसको हम 20% ब्लैक करेंगे, जो इसका फिल कलर है इसको 20 कर देंगे, ताकि 3D हमारा बहुत अच्छी तरह क्लियरिटी में दिखे। उसके बाद आपको टेक्सचर सारे प्लेस करने हैं। फाइल में जाइए, प्लेस पे क्लिक कीजिए और सारे टेक्सचर को सेलेक्ट करके अपने फाइल पर प्लेस कर लीजिएगा इस तरीके से। अभी सारी फाइलें हमारी आ गई है, इनको सेलेक्ट कीजिए और एम्बेड कर दीजिए, ताकि इनका जो लिंक है वो टूट जाए। उसके बाद आपको सिंबल में जाना है यहाँ पर। अगर आपका सिंबल शो नहीं कर रहा तो आप विंडो में जाइए और सिंबल नीचे आता है यहाँ पे, इस पर क्लिक कीजिए। अब करना क्या है, आपको एक एक करके सारे टेक्सचर यहाँ से ड्रैग करने हैं इसमें और इनका नाम डालना है। उसके बाद डिलीट, ड्रैग, नेम एंड डिलीट, ड्रैग, नेम एंड डिलीट, ड्रैग, नेम एंड डिलीट। देखिए दोस्तों, हमारे चारों टेक्सचर यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें ई को यहाँ कोई जो ई हमारा यहाँ पे है, इसको हम डुप्लीकेट बनाएंगे, ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। अब इस वाले टेक्स्ट को हम इफेक्ट में जाकर, 3D में जाकर, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब हमारा ये पैनल खुल चुका है 3D का। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीव्यू ऑन करना है, ताकि हम जो भी अपने पैनल में काम करेंगे हमें वो हमारे इंटरफेस पे दिखे, हमारे स्क्रीन में दिखे। तो ये हमारे कुछ 3D एंगल्स हैं, आप जिस पे चाहे उस पे बना सकते हो, पर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉप व्यू वाला, ये वाला। और इसमें देखेंगे जो इसकी हाइट है 3D की, वो थोड़ी कम लग रही है। ये अभी मेरी है लगभग 50 पॉइंट। ठीक है, इसको मुझे लगभग इतना चाहिए, और इसको मैं बढ़ाऊँगा लगभग 400। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसे कम करेंगे 300 पे। गुड, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसकी हाइट अच्छी खासी है। तो इसके बाद हम जाएंगे मैप आर्ट पर। अब जो हमें रेड रेड दिख रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि हमारा जो पहला टेक्सचर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ से अपना टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से आप स्केल टू फिट भी कर सकते हैं, इसको जैसे चाहिए वैसे एडजस्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको क्लियर कीजिए, दोबारा जाइए फाइल पे और उसे अप्लाई कीजिए इस तरीके से। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए शिफ्ट के साथ मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी शिफ्ट के साथ इसे प्रोपोर्शन में छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट जैसे अब हो रहा है ये शिफ्ट छोड़ के, अगर आपने शिफ्ट छोड़ दिया तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होगा। कुछ इस तरीके से आप भी इसको दोबारा अपनी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको जहाँ तक कहूँगा शिफ्ट का यूज़ कीजिए, क्योंकि प्रोपोर्शन इज़ द बेस्ट। ठीक है, पहला टेक्सचर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, सेकंड हमारा ई, इसके बॉटम वाला पार्ट है जो हमें चाहिए नहीं अभी इस टाइम पे। अब जो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, इस पर हम दूसरा टेक्सचर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको एडजस्ट करेंगे। अब इस वाले पे हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे और एडजस्ट करेंगे। अब हमें करना क्या है, एक एक करके सारे टेक्सचर हमें अप्लाई करने हैं और उनको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम सब पे ऐसे ही टेक्सचर अप्लाई करेंगे और एडजस्ट करेंगे। दोस्तों, आपको इसी तरह अप्लाई करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं अच्छी तरह, यस, इस तरह से।
ध्यान रखिएगा जो हमारी अंदर वाली वॉल है वो थोड़ी सी डार्क होना चाहिए, इसीलिए मैं इस पर डार्क वाला टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ी सी क्या है, शेडो है। ये हमारी हल्की सी लाइट होगी। ये वाली वॉल हमारी हल्की सी लाइट होगी और ये वाला हमारा वही वाला टेक्सचर अप्लाई होगा जो आगे वाले टेक्सचर में अप्लाई हो रहा है, नंबर 3 वाला। जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ आप भी ऐसे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे हल्का सा मूव कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि इसके जो टेक्सचर है वो मैच हो अलग जो और भी टेक्सचर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। दोस्तों एक चीज़, कई बार आपको प्रॉब्लम होगी जब ऐसे आप ड्रैग कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो आपका टेक्सचर है वो छूट के सेम पोजीशन यानी कि पुराने वाले पोजीशन में चला जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, ऊपर क्लिक, ये देखें मैंने यहाँ पे रखा, दोबारा अपनी जगह पे चला गया, देखा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा नीचे क्लिक करके इसको ऊपर की तरह ड्रैग करना है। कभी कभी ये इलस्ट्रेटर में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको ड्रैग ऊपर ना पकड़ के थोड़ा सा नीचे पकड़ के ड्रैग कीजिएगा, ठीक है। अब हमने सारे टेक्सचर इस पर अप्लाई कर दिए हैं, अब हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। जो ये वाला टेक्सचर है ये उस अभी थोड़ा सा मैच कम हो रहा है, तो एक बार हमने रॉ इस पर अप्लाई कर दिया था, उसके बाद अब हम इसको अच्छी तरह रिफाइन कर रहे हैं। ये वाला बेटर लग रहा है, ठीक है। तो अब हमारा 3D लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए हमने सारे टेक्सचर अप्लाई कर दिए, ओके कीजिए और आप इसको भी ओके कीजिए और बाहर आ जाइए। ये हमारा 3D लगभग तैयार हो चुका है, ये देखिए। इसको जूम कर, इसके एज जो है कितने शार्प है, बिल्कुल परफेक्ट बना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमें जो हमने डुप्लीकेट यहाँ पे रखा हुआ है ई, इसको दोबारा 3D में जाके सब इसको वही पोजीशन हमें अप्लाई करनी है जो हमने टॉप लिया था, जो भी यहाँ पे सीक्वेंस ली थी, ये हमने 300 लिया था, ठीक है, ओके। देन इन दोनों को अब हमें क्या करना है, अलाइन करना है, यानी कि ग्रे वाले को हमें टेक्सचर के ऊपर रखना है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा टेक्सचर यहाँ पे छिप गया है, वो इसीलिए हम इस पर कुछ इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं। तो आप ट्रांसपेरेंस में जाइए, यहाँ से इफेक्ट जो है आप यहाँ से मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं, और भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड आपका टेक्सचर किस हिसाब का है, आपको लाइट चाहिए डार्क चाहिए, आप यहाँ से इसको थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ओवरले किया तो ज़्यादा ही ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, थोड़ा सा येलोइश हो गया, और अपेसिटी चिड़ी तो थोड़ा सा रेडिश। तो आप इसको जैसे चाहे, चाहे आप स्क्रीन यूज़ करें, वो डिपेंड करता है आपके टेक्सचर पे, ठीक है। मैंने रखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई और 40 इसमें अपेसिटी रखी है।
अब इस वाले टेक्सचर को पकड़ेंगे जो हमारा बाहर है 3D वाला, इसको भी हम अलाइन करेंगे। इसको पकड़ के ऑब्जेक्ट में जाके हमें इसे फ्लैट एंड ट्रांसपेरेंसी करना है ताकि ये ब्रेक हो जाए। अब देख रहे हैं ब्रेक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जिसका फिल कलर है इसको हटा के हम इस पर आउटलाइन कलर फिल करेंगे। देखिए हमने इस पर आउटलाइन कलर फिल कर दिया और फिल कलर जो था वो हमने हटा दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जो इसकी आउटलाइन है आप इसको मोटी पतली कर सकते हो, बट ध्यान रहे ज़्यादा मोटा भी ना हो ज़्यादा पतला भी ना हो, क्योंकि ये एक हल्का सा इफ़ेक्ट दिखाएगा, हल्का सा जो आपका 3D डिज़ाइन हुआ हुआ है उसमें एक हल्का सा ऐसा लगेगा बॉर्डर टाइप का। तो अब हमें क्या करना है, जो भी लाइन्स है ये वाली लाइनें हमें जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें डिलीट करना है और यहाँ से इनका कलर भी चेंज करना है। तो मैं यहाँ से किसी भी टेक्सचर को यहाँ पे दोबारा प्लेस कर रहा हूँ। ये अब मैंने लाइन्स पकड़ी, ठीक है, और आई ड्रॉप पे गया और यहाँ से इसका कलर चूज किया। ये कलर चूज करने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जो मेरा टेक्सचर है उससे मिलता जुलता कलर यहाँ पे पिक हो जाए। आप इसे चाहे आप कलर बार में जाके उसे चूज कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ड्रैग करके अपने टेक्सचर को उसमें से कलर पिक कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं अब आपको धीरे धीरे करके एक्स्ट्रा लाइनें इसमें से हटानी है, जैसे कि मैं हटा रहा हूँ, ये देखिए। और दोस्तों एक चीज़ का अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे जो सिलेक्टिव कलर है मेरा वी वाला नहीं है, आपको ए प्रेस करना है, ये वाला, ठीक है, ए प्रेस करके आपको इस सारे जो एक्स्ट्रा जो भी लाइंस है आपको ये डिलीट करने हैं। अगर वी से करेंगे वो कंप्लीट पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, इसीलिए ए प्रेस कीजिए और सारी लाइनों को एक एक करके पकड़िए जो भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं। देख रहे हैं मैंने सारे एक्स्ट्रा लाइनें यहाँ से डिलीट कर दी है। अब आप देखेंगे जो ये लाइनें हैं इनके जो कॉर्नर है ये ना बाहर की तरफ निकल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है ना। तो इसको हम ठीक करेंगे कैसे, सबसे पहले आउटलाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए है ना, ठीक है। तो आप आउटलाइन को पहले पकड़िए, ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट में जाके सेम में जाके स्ट्रोक कलर में जाना है। ये तब यूज़ होगा जब आपके सारे स्ट्रोक जो है वो आपके ग्रुप है, उस टाइम पे यूज़ नहीं होगा। जब अनग्रुप है तो आप ऐसा कर सकते किसी पर्टिकुलर एक को पकड़ के, उसके बाद स्ट्रोक में जाइए और ये वाला, ठीक है, राउंड वाला, इस वाले पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए इसके कॉर्नर बिल्कुल क्या हो गए, राउंड हो गए, ये देखिए राउंड हो गए, है ना, जो हमें चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट। लगभग दोस्तों हमारा 3D लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे एक छोटा सा।